स्ट्रगल में बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, क्योंकि खुजली आपको हुई है, आप ही को मिटानी पड़ेगी। यू नो, आप जो आप हैं वो आपने बनना चाहा था, और अगर डिसअपॉइंटमेंट आ रहे हैं तो आप तो कंप्लेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही ने चाहा था ये बनना। तो बस यही था कि 10-12 साल तक मैंने सोचा था, 10-12 साल जब स्ट्रगल हो गए तो मेरे बहुत ज़्यादा वो भी हुआ कि यार छोड़ के चले जाते हैं, कुछ काम मिल नहीं रहा, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं, आई डोंट नो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। फिर ये होता था कि नहीं, मेरी मदर जो है ना एक लेटर लिख के लिखती थी मुझे हमेशा, तब मोबाइल वोबाइल नहीं आए थे, पेजर आए थे, तो पेजर यहाँ पे लगा के चलते थे हम लोग। जब उनको मालूम हो जाता था कि भाई बंदा जो है ना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में है, डिप्रेशन में है, क्योंकि काम नहीं मिल रहा, तो मेरी माँ मुझे एक लेटर लिखती थी, उस पर लिखती थी कि लिखने के बाद एक लास्ट में लिखती थी कि 12 साल में कचरे के दिन भी बदलते थे, तू तो इंसान है, तेरा दिन भी बदलेगा। तो उन सब चीजों को देख के, कोई एक शेर, कोई एक कोटेशन, कोई इस तरह की जो मोटिवेशन मोटिवेट करती है, जो लाइन्स आपको, उनका रहना, उन पे बिलीव करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वही चीज़ आपको मोटिवेट करती है आगे बढ़ाने के लिए। और जब ख़राब वक्त होता है आपको, वो लाइन्स, वो पोएम्स, वो सारी चीज़ें आपको संभल देती हैं, मजबूती देती हैं, ताकत देती हैं। और मैं जिस गांव से आया था, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर का एक छोटा सा गाँव था बुढ़ाना, जब हमने शुरुआत की थी वहां पे, जब मैं था वहां पे लाइट भी नहीं थी, एक घंटे के लिए रात में कभी आ गई, या एक महीने के बाद हल्का सा मुंह दिखा के चली गई, इस तरह की लाइट इस तरह होती थी, वही लैंप में पढ़ना स्टार्ट किया लैंप। तो छोटे से गांव से आने के बावजूद फिर दिल्ली मतलब छोटा सा, उससे बड़ा शहर भी हमें ऐसा लगता था पता नहीं क्या है, मतलब डर लगता था। मैं जब मुंबई में आया था तो मैं 15 दिन तो घर से बाहर ही नहीं निकला था, क्योंकि इतनी स्पीड देख रहा था मैं कि इतनी स्पीड में तो हम चल ही नहीं पाएंगे, इस शहर के साथ शायद हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। तो इस तरह के डर थे, लेकिन ऐसी जगह पे आ गए थे कि अब जाना भी मुश्किल था, तो मतलब वापस नहीं जा सकते थे, वापस इसलिए नहीं जा सकते थे कि बहुत सारे डर थे। वापस अगर चले गए तो थिएटर के जो मेरे दोस्त थे वो बोलते, क्यों भाई वापस आ गए तुम भी, जैसे बहुत सारे लोग वापस आ रहे तो तुम भी वापस आ गए, चलो लग जाओ ठीक है। गांव में इसलिए नहीं जाता था अपने कि जो पहले ही बोलते थे वो लोग के शक्ल तो देख ले, फिर हार के उनके सामने चला गया तो क्या बोलेंगे, हमने वो तो वही बोलेंगे कि हमने तो पहले मना किया था कि मत जाओ, क्या सूरज शक्ल तो थोड़ा ही थी तुम्हारे स्टार बनने की, एक्टर बनने की। तो ये बहुत सारे डर थे जिसकी वजह से मैं अपने ना तो गांव जाता था, ना जहाँ से ट्रेनिंग ली थी दिल्ली से ना वहाँ जाता था मैं। मैंने जो भी है मरना जीना मुंबई में ही होगा। रही बस सक्सेस की, सक्सेस अगर 30 साल बाद भी मिलेगी उसके लिए भी मतलब तैयार रहना चाहिए। सक्सेस की कोई डेट नहीं होती, कोई तारीख नहीं होती, कोई टारगेट नहीं होता कि इतने ही दिनों में मिल जाएगी। इंसान का काम होता है, आई थिंक मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि लाइफ ना हमेशा अपने आप को लाइफ में पुश करते रहो, और पैशन पैशन के साथ जिस भी आप काम में हो, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें पैशन पैशन के साथ लगे रहना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि पैशन से क्या होता है, जिस भी आप फील्ड में होते हैं उसकी डिटेलिंग्स मिलनी शुरू होती है। जैसे जब आप समंदर में देखते हैं, समंदर की जब गोता मारते हैं नीचे जाते हैं तो आपको एक धीरे धीरे बहुत कुछ दिखाई देना शुरू, ऐसी आपका भी फील्ड है, कोई भी हर फील्ड ऐसा ही होता है, उसमें असीम संभावनाएं होती हैं, इतनी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आई थिंक दुनिया का हर काम में इतनी पॉसिबिलिटी, सिर्फ अगर एक दर्जी है पैंट सीता है 1000 तरीके के पेंट सी सकता है वो, अगर वो चाहे तो, अगर उसने नहीं चाहा तो वो जो ट्रेंड चला रहा है वही सीता जाएगा। लेकिन अगर उसने चाह लिया कि मैं ऐसा कुछ करता हूँ
तो 1000 तरीके की पेंट उसी में 1000 तरीके की सी देगा वो पेंट। ऐसे हर फील्ड में पॉसिबिलिटीज बहुत होती हैं और एक परफेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने ट्रेनिंग इसलिए ली कि परफेक्शन आ जाए अपने काम में। जैसे एक मैंने एग्जाम्पल सुना था कि ये छोटी छोटी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, ये चूंकि मैंने बचपन में सुनी थी उन पे दिमाग, उन्हीं को अपनी लाइफ बना के आगे बढ़ा तो आज यहाँ पे हूँ, इसलिए वो छोटी छोटी चीजें बहुत काम आती हैं, उनको सुनना बहुत जरूरी होता है इंसान के लिए। बताते हैं कि एक बहुत बड़े, पता नहीं ये सच है झूठ है मुझे नहीं, इतना ज्यादा नहीं मालूम, बट कोई बहुत बड़े इंसान हुए लेकिन वो पहले मौजी थे, जूता सीते थे, लेकिन जूता जहां से सीते थे ना वहां से कभी फटता नहीं था, वो भले दूसरी जगह से फट जाए लेकिन वहां से नहीं फटता था, क्योंकि उसका पैशन था जूता सीना। काम भले वो है वो, लेकिन उस काम में भी उनका पैशन है, तो इसी वजह से वो इतने पॉपुलर होते चले गए कि यार जूता फट गया लेकिन सिलवाना वहीं जाके, क्योंकि अगर उन्होंने सी दिया वहां पे जिंदगी भर वहां से जूता नहीं फटेगा। तो छोटी छोटी चीजों में ये जो परफेक्शन, पैशन, ये सारी चीजें होती है जो आपका आगे बढ़ाती है, बहुत आगे ले जाती है। लेकिन उसके वही है, कुछ चीजों का होना वाकई बहुत जरूरी होता है। फिर एक्सपीरियंस आपका, आपकी नॉलेज, जैसे मेरा मानना है कि मैं मेरा खुद का मानना है कि मैं लक पे बिलीव नहीं करता हूं। मेरे सामने आज तक मेरे सामने लकीली कोई चीज नहीं हुई कि मैं लकीली यहां तक पहुंच गया। आज जो आप प्रोमो देख रहे थे, जो क्लिपिंग्स देख रहे थे मेरी, मैं लकीली नहीं पहुंचा हूं यहां पे। मैंने उसके लिए मेहनत की है, मैंने उसके लिए नॉलेज इकट्ठी की है, मैंने उसके लिए ट्रेनिंग ली है। अगर लक पे डिपेंड करता ना मैं, तो अपने एक रूम में रहता, देखते हैं यार लक जब होगा तो हो जाएगा, ऐसे थोड़े ना होता है। ठाकरे बाड़ा साहब, ठाकरे का जब मैंने रोल किया तो वो लकीली नहीं हो गया, उसके लिए एक महीना में पहले हारमोनियम पे बैठा मैं कि बाड़ा साहब कहां से बोलते हैं, उनका सुर क्या है, उनका टेक्सचर क्या है, उनकी वॉइस का, उनकी वॉक कैसे है, वो चलते कैसे हैं, उनका वेट किस चीज पर ज्यादा डिपेंड करता है। हर आदमी का जो वेट होता है, किसी का थाइस पे होता है, किसी का फुट पे होता है, किसी का बट पे होता है वेट, किसी का कमर पे होता है, हर आदमी का एक वेट शिफ्ट करने का एक अलग तरीका होता है। तो हम लोग इतनी डिटेल में जाते थे कि बाड़ा साहब किन चीजों पे वेट कर रख के चलते हैं, ऐसे चलते हैं कोई, या तो ऐसे चलते हैं या ऐसे चलते हैं, ये मैं, इस तरह की बहुत सारी डिटेल होती है, जब आप जाते हैं तो बहुत सारी चीजें पता चलते हैं। मेरे सामने इतने चैलेंज थे जब मैं बाड़ा साहब का रोल कर रहा था, तो वो मिमिक्री भी नहीं होनी चाहिए, कॉपी भी ना हो। जैसे अमूमन अक्सर होता है जब हमारे यहाँ बायोग्राफी की जाती है तो हम कॉपी कर देते हैं उसकी। कॉपी करना मतलब अगर हम किसी की कॉपी कर रहे हैं या मिमिक्री कर रहे हैं तो वो वीकनेस समझी जाती है कि आप वीक एक्टर हो। और ये बात मुझे बहुत पहले समझ में आ गई थी जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था। मैं ट्रेनिंग के फायदे बता रहा हूँ आपको, जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था ये हमें तभी समझ में आ गया था। और प्रिपरेशन के वक्त, बाला साहब की प्रिपरेशन के टाइम पे, कि मैंने कहा इसकी मिमिक्री नहीं होनी, बाला साहब की मिमिक्री नहीं होनी चाहिए ना कॉपी होनी चाहिए, और लगना भी चाहिए कि बाला साहब ठाकरे है। क्योंकि चैलेंज ये था कि हजारों लाखों वीडियोज हैं बाला साहब ठाकरे के, हर आदमी ने देखे हुए हैं, सब ने देखे कि बाड़ा साहब कैसे बोलते हैं, कैसे हाथ को ऐसे ले जाते हैं। एक बार ये हुआ था कि मैं जब इसकी शूटिंग कर रहा था, ठाकरे मूवी की शूटिंग कर रहा था मैं, तो उद्धव साहब ठाकरे जो है वहां पे आ गए थे, वैनिटी में बैठे थे मेरे सामने, तो मेरा हाथ ऐसे था, इट्स लाइक दैट। तो बोले आपने हाथ ये ऐसे क्यों रखा हुआ है, मैंने, उनका हमेशा ऐसे ही रहता था हाथ तो, और यही वो क्या होता था, वो सिगार पीते थे और सिगार ऐसे पिया जाता है कुछ ऐसे, और इसलिए उनका हाथ हमेशा नॉर्मली भी रहता था तो ऐसे रहता था।
और यहीं से जब स्पीच देते थे यहीं से ये जाता था, जो उनका सिग्नेचर वो जेस्चर था। तो वो शॉप हो गए कि इतनी डिटेलिंग आपने ली है। तो जब वो फिल्म देखी उन्होंने, तो फिल्म देखने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि वाकई बहुत स्टडी की है नवाज ने उनके बाड़ा साहब के ऊपर। तो मुझे खुशी हुई थी कि थैंक गॉड कि ये सारा किस लिए हो रहा है, पैशन की वजह से हो रहा है। एक पैशन है, उसके बाद आपके आप एक्सपीरियंस है, आपकी नॉलेज है, आपकी ट्रेनिंग है, उससे ये सारी चीजें निकलती हैं। लाइक मंटो, ये जितने भी कैरेक्टर्स हुए वो सब हवा में नहीं हुए या लकीली नहीं हो गए, उनके लिए बाकायदा बहुत छोटी छोटी मेहनत की, छोटी छोटी डिटेल इकट्ठी की गई, स्कोर बनाया उसका, उन डिटेल्स का, तब जाके वो कैरेक्टर जो आप देखते हैं वो एक अलग इंसान दिखता है। वो मैंने कभी भी हीरोइज्म या इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं किया। जब आज मुझे बोलते हैं कि तुम तो स्टार हो, मैं सच आज भी मुझे यकीन नहीं होता कि मैं स्टार हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक्टर ही हूँ, और मैं आज भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, नई नई डिटेल्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कैरेक्टर्स की। स्टार्स का क्या होता है कि जब स्टार होता है एक जैसा होता है, और 30-40 साल तक एक जैसा करता चला जाता है वो। मुझे वो नहीं बनना, अगर मैं ये करूं तो शायद दूसरे दिन ही बोर हो जाऊंगा मैं। मुझे हर रोज नए कैरेक्टर ढूंढने हैं, लोगों के बीच में रहना है, क्योंकि लोगों ये बीच में रहने से बहुत सारी चीजें मिलती हैं। मैंने एक रोल किया था लंच बॉक्स में, पता नहीं कितने लोगों ने देखी वो फिल्म, मुझे नहीं मालूम। उसका कोइंसिडेंट ऐसा हुआ कि मेरा जो दोस्त था, जो मेरे रूम पार्टनर स्ट्रगल के टाइम पे मेरे साथ रहता था, तो मैंने उसी को सेम उसी की डिटेल मार दी उसमें फिल्म में। जब पिक्चर रिलीज हुई तो उसने देखी, उसको लगा अरे ये तो मैं हूं। अब वो भी एक्टर था। उसके बाद जब वो फिल्म इंडस्ट्री में किसी के पास काम मांगने जाता था तो लोग उसको बोलते थे यार ये ऐसा मत करिए, नवाज ने कर दिया, कुछ दूसरा कर। तो बोलता हम तो ओरिजिनल में ही ऐसे हैं, उन्होंने हमारा कॉपी किया है। कहने का मतलब ये है कि लोगों के क्या होता है, स्टार्स हमेशा शीशों के घरों में रहना शुरू कर देते हैं। उनको बैंड्रा में, उनको मतलब किसी ऐसी जगह पे रहते हुए ये नहीं मालूम कि दूसरी जगह क्या है। अगर आप चाहते हैं रोज हर फिल्म में एक नई पर्सनैलिटी क्रिएट करें तो लोगों के बीच में रहना पड़ेगा आपको, भले थोड़ी परेशानियां होती है बट रहना पड़ेगा उनके बीच में, मेरा तो ऐसा मानना है।